नमस्कार, मैं हूं मनीषा चोला। न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों की ओर। पीएम मोदी और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने संयुक्त रूप से खुलना कोलकाता एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया। इस दौरान मोदी ने बांग्लादेश को 50 करोड़ डॉलर के कर्ज की भी घोषणा की, साथ ही आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति की भी जमकर सराहना की। वहीं शेख हसीना ने कहा कि हम दोनों देशों की सीमा को सुरक्षित बनाना चाहते हैं। आयकर विभाग की कालाधन जमा करने वालों पर है कड़ी नजर। जी हां, विभाग ने 100 करोड़ रुपए से अधिक की कर चोरी के मामले में देश में करीब 50 जगहों पर छापेमारी की। बता दें, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के बंद होने के बाद ब्लैक मनी रखने वालों पर आयकर विभाग की ये पहली सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। कालेधन से निपटने के लिए 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों को बंद करने के कदम को वित्त मंत्रालय ने साहसी कदम बताते हुए कहा कि संबंध में इतने बड़े स्तर पर पहले कोई गंभीर प्रयास नहीं हुआ। वहीं वित्त मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2016-17 की वार्षिक रिपोर्ट में कहा कि इससे पहले 1946 और 1978 में नोटबंदी के 2 प्रयास हुए, लेकिन उनका स्तर इतना बड़ा नहीं था। दिल्ली नगर निगम चुनाव अभियान का प्रचार जोरों पर है, तो वहीं बीजेपी को मिल रहा है झटका। बता दें, बीजेपी 6 सीटों पर लड़ाई से बाहर हो गई है। फिलहाल 272 वार्डों में से केवल 266 वार्डों में ही भाजपा के प्रत्याशी मैदान में हैं। तमिलनाडु में अम्मा कैंटीन की तर्ज पर यूपी की योगी सरकार जल्द ही अन्नपूर्णा भोजनालय शुरू करने जा रही है। जी हां, योगी सरकार द्वारा चली इस योजना में सिर्फ 5 रुपए में भरपेट खाना उपलब्ध कराया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक ये अन्नपूर्णा भोजनालय यूपी के सभी नगर निगमों में खोले जाएंगे और इस योजना में सुबह का नाश्ता, दिन का खाना और रात का डिनर होगा। यूपी सरकार ने स्कूलों के बाद अब मेडिकल कॉलेजों की फीस पर लगाम कसने के लिए नीति बनाने का ऐलान किया है। इन नीतियों की तर्ज पर प्रदेश के सभी सरकारी और गैर सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन, पढ़ाई के साथ ही अन्य गतिविधियों के लिए ली जाने वाली फीस पर नियंत्रण रखने के लिए सरकार जल्द ही अधिसूचना जारी करेगी। योगी सरकार एक के बाद एक ले रही है एक्शन, और इसी के चलते सरकार ने चीनी मिलों को इस साल के गन्ने का भुगतान 23 अप्रैल तक करने का आदेश दिया है। साथ ही मायावती के राज्य में 21 सरकारी चीनी मिलों को बेचने में हुए घोटाले की जाँच के भी दिया आदेश। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि अमेरिका के वॉशिंगटन में गोलीबारी की घटना में एक भारतीय की मौत पर भारत को एक रिपोर्ट मिली है और वो इसी घटना की जांच कर रही एजेंसियों से बातचीत कर रही है। बता दें, सान फ्रांसिस्को में स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास विक्रम जायराल को 2 नकाबपोश लुटेरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। हवाई उड़ान से प्रतिबंध हटने के बावजूद शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़ ने ट्रेन से किया सफर और दिल्ली से पहुंचे मुंबई। वहीं मीडिया से हुई बात में रविंद्र गायकवाड़ ने एक बार फिर एयर इंडिया पर निशाना साधते हुए कहा, एयर इंडिया का वो अधिकारी पागल है, मेरी कोई गलती नहीं थी। विजय माल्या का किंगफिशर विला नीलामी में बिक गया है और इस विला को एक्टर और बिजनेसमैन सचिन जोशी ने खरीदा है। खबरों के मुताबिक सचिन ने बंगले को रिजर्व प्राइस 73 करोड़ रुपए से ज्यादा में खरीदा है। आपको बता दें कि ये विला माल्या की उन एसेट्स में शामिल है जिसके लिए माल्या को किंगफिशर एयरलाइंस के लिए लोन दिया गया था। पाकिस्तान की ओर से अफगानिस्तान में लगातार की जा रही गोलाबारी के खिलाफ लोगों में गुस्सा फूट पड़ा है। पूरे अफगानिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए हैं। आतंकवाद के खिलाफ नारेबाजी कर रहे लोगों ने अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी से मांग की कि वो पाकिस्तान के खिलाफ जंग का ऐलान करें। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में एक शख्स ने ट्रक भीड़ पर चढ़ा दिया, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग घायल हो गए। खबरों के मुताबिक हमले के मुख्य संदिग्ध को पकड़ लिया गया है। स्वीडन के प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेल ने इस घटना पर प्रतिक्रिया में कहा कि सारे संकेत बताते हैं कि एक आतंकी हमला है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टॉकहोम में हुए हमले की निंदा की है। सीरिया संकट पर सुरक्षा परिषद ने की आपात बैठक। संयुक्त राष्ट्र की इस बैठक में सीरिया पर अमेरिका के मिसाइल हमलों के बीच महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने सीरिया में शांति के लिए नए सिरे से जोर दिया। वहीं इस बैठक में फ्रांस और ब्रिटेन ने सीरिया में संदिग्ध रासायनिक हथियार हमले के जवाब में अमेरिका द्वारा की गई सैन्य कार्रवाई का समर्थन किया। एक्टर कमल हासन के घर में लगी आग और वो इस आग से बार बार बच गए हैं। घटना के बाद हासन ने बताया कि इस घटना में किसी को चोट नहीं आई है, साथ ही कहा, मेरे स्टाफ का शुक्रिया, मैं सुरक्षित हूँ और कोई हताहत नहीं हुआ है। मेरे साथ खास खबरों फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज इंडिया।